आंटी, बात यह है कि वासे आपके बगैर भी निकाह कर सकता है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि वो आपके बगैर खुश ही नहीं है। मुझे उसको देख के एहसास हो रहा है कि वो आपको बहुत मिस कर रहा है। आप चल के तो देखिए आपका बेटा दूल्हा बन के कितना अच्छा लग रहा है। प्लीज आंटी। और उसने तुम्हें भेज दिया, खुद मुझे लेने नहीं आया। तो मुझे वासे ने नहीं भेजा आंटी, मैं अपनी मर्जी से आया हूं। हालांकि शर्जिया के भाइयों की हैसियत से मुझे तो वही होना चाहिए ना, लेकिन मुझे वासे को देख के बहुत तकलीफ हो रही थी। क्या आप यहां हैं और वो वहां बेचारा अकेला बिल्कुल? अब देखिए, इस मौके पे बड़ों की जरूरत होती है। आप उसकी मां हैं, उसके सर पे हाथ रखिए, उसको दुआ दीजिए। और एक बात पे यकीन कीजिए, अगर वाजे का ये फैसला गलत हुआ तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप मुझे बताइएगा, लेकिन फिलहाल तो साथ चले आंटी। वो आपके बगैर निकाह नहीं करेगा, प्लीज चलिए ना साथ। प्लीज आंटी। आइए आइए, प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। ये जिंदगी तुम्हारी है, इसे तुमने गुजारनी है, और किसके साथ गुजारनी है इसका हक भी सिर्फ तुम्हें ही होना चाहिए। खुश। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको आतिर दिख रहा है? वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं।
मिशाल बस मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ, तुम अफान का ख्याल रखना ठीक है? कुछ भी हो तो बस मुझे बता देना। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ कैसे हो? शजिया ने इतने प्यार से बुलाया था तो मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। शजिया ने बुलाया था? हैरत है, उसने तो जिक्र तक नहीं किया। आपको देख के बहुत खुशी हुई मुझे। ऑनेस्टली मैं आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन मैं एक्चुअली आपसे भी मिलना चाह रही थी, आपसे बात करना चाह रही थी। आप मुझसे मिलना चाह रही थी? जब से आपको जानता हूं तब से शायद ये पहला जुमला है जो मुझे अच्छा लगा है, आपकी तरफ से आया। क्या आप मुझसे मिलना चाहती हैं? क्या क्या बात करना चाहती हैं? कहें आतिर। देखें, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप हमेशा मुझसे बहुत खुलूस से पेश आए हैं, मेरे लिए इतना कुछ सहा है। क्या हुआ, आप इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं आप कुछ ऐसा कहने वाली हैं जो यकीनन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आप तो मेहनत बांध रही हैं। इट्स ओके, आप कह सकती हैं, कहिए। आतिर प्लीज आप मुझे भूल जाएं। थोड़े ही दिनों की बात है, मेरा खुला का केस भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप प्लीज मेरा इंतजार मत करें। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा शादी करूंगी।